हेलो दोस्तों, एसएससी सफल चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्काउटिंग एंड गाइडिंग क्या है, आखिर क्या है स्काउट गाइड के बेनिफिट, स्काउट गाइड में हम क्यों जुड़े, भारत में स्काउट गाइड की शुरुआत कब हुई, इन सभी सारे सवालों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और स्काउटिंग के बारे में समझ लीजिए। हमारा पहला सवाल है, स्काउटिंग एंड गाइडिंग क्या है। स्काउटिंग एंड गाइडिंग युवाओं के लिए एक स्वैच्छिक, गैर सरकारी और शैक्षिक अभियान है जो बिना जाति, मूल्य या भेदभाव के किसी के लिए भी खुला है। स्काउट गाइड विश्व का स्वैच्छिक युवा आंदोलन है। स्काउटिंग गाइडिंग गतिविधि बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के लिए एक प्रकार की स्वैच्छिक और अनौपचारिक शिक्षा योजना है। स्काउटिंग गाइडिंग कक्षा शिक्षा नहीं है बल्कि जीवन शिक्षा है। शिविर जीवन, खुली हवा में, प्रकृति की गोद में घूमने, प्रकृति की विभिन्न सुंदरता का अनुभव करने का अमूल्य अवसर प्रदान करती है। इसलिए इस गतिविधि में अधिकांश प्रशिक्षण खुले वातावरण में दिया जाता है। स्काउटिंग एक इंटरनेशनल स्काउट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दो कैटेगरी आती है। पहली कैटेगरी है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्काउट मूवमेंट, जिसका शॉर्ट नेम है WOSM, और दूसरी कैटेगरी है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड्स एंड गर्ल स्काउट, जिसका शॉर्ट नेम है WAGGGS। स्काउटिंग गाइडिंग एक स्वैच्छिक, गैर सरकारी, गैर राजनीतिक युवा आंदोलन है जो युवाओं के लिए एक अवसर है जो सभी जाति धर्म के लोगों के लिए खुला है। स्काउट गाइड एक सुनियोजित गतिविधि है। स्काउटिंग शरीर की ताकत, मन की जागरूकता, नैतिक आचरण को प्रशिक्षित करती है। स्काउटिंग जीने की कला है। स्काउटिंग उद्देश्य के साथ आनंद है। स्काउटिंग गम्मत के साथ ज्ञान है। स्काउटिंग चारित्र गढ़कर है। हमारा दूसरा सवाल है, आखिर क्या है स्काउट गाइड के बेनिफिट, स्काउट गाइड में हम क्यों जुड़े। इन दोनों सवालों को एक साथ यहाँ देखते हैं। स्काउटिंग से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। स्वास्थ्य, चरित्र, कला कौशल, सेवा भावना जैसे गुणों का विकास होता है। साहसिक बनते हैं, अनुशासन सीखते हैं, मन वचन कर्म से शुद्ध बनते हैं, प्रकृति की और अपनी रुचि बढ़ती है, समाज सेवा की उत्सुकता बढ़ती है, अच्छे नागरिक बन के समाज में सहयोग प्रदान करते हैं, पिकनिक या डे हाइक के माध्यम से बाहर घूमने का मौका मिलता है, और सबसे बड़ा बेनिफिट, राज्यपाल द्वारा राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने का मौका मिलता है। तो यह सब है बेनिफिट स्काउटिंग गाइड के, और इसी की वजह से हमें स्काउट गाइड में जुड़ना चाहिए। अगले सवाल की ओर जाते हैं, उससे पहले आपसे एक बात बता दूं कि वीडियो के अंत में आपको कुछ सवाल पूछूंगा जिसके जवाब आपको इसी वीडियो में से मिल जाएगा, तो उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप स्काउट में जब आगे बढ़ोगे तब राज्यपाल, राष्ट्रपति जैसे पुरस्कार की परीक्षा आएगी, उसमें आपको ये सवाल जवाब काम आएंगे। अगर स्काउट गाइड में आप जुड़े हो या जुड़ने वाले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको स्काउटिंग की हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारा और एक सवाल है, भारत में स्काउटिंग की शुरुआत कब हुई। स्काउटिंग 216 देशों में एक सक्रिय गतिविधि है। स्काउटिंग गाइड के आदि स्थापक लॉर्ड रॉबर्ट स्टीवन स्मिथ बेडन पॉवल है। यह इंग्लैंड में शुरू हुई। भारत में स्काउट गाइड की शुरुआत 1909 में हुई थी और वह केवल यूरोपियन एवं एंग्लो इंडियन बालकों के लिए थी। उसके बाद 1913 में भारतीय बालकों के दल भी स्थापित होने लगे। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 9 नवंबर 1950 में भारत स्काउट एंड गाइड नामक एसोसिएशन बनी एवं राष्ट्र के समस्त स्काउट एसोसिएशन इसमें मिल गए। अब ये अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन से संबंधित है। अब जाते हैं आपके लिए सवाल की ओर। इन सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। स्काउटिंग के बारे में आपके मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट में लिख देना, उन पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एसएससी सफर चैनल में स्काउटिंग के सभी नोट्स, प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान के सभी नोट्स और उनका यूज कहाँ होता है, उनके सारे वीडियो है, एक बार देख लेना, ताकि उनमें से भी कुछ सवाल ऐसे हैं जो राज्य पुरस्कार या राष्ट्रपति पुरस्कार में पूछे जाते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक
जय स्काउट।